23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया और अब पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं इसका डिसीजन रशिया के हाथों में है जो ही इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेल जरा एक बार पाकिस्तान के ज्वाइन करने की खबर से आप देखो रशिया का क्या रिएक्शन था। ये पोस्ट है उनके ऑफिशियल स्टेट मीडिया का और इसमें रशिया क्लियरली बहुत ही खुश नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके ही रहेगा। बट आखिर क्यों पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों? दूसरी तरफ जरा इस इवेंट पर भी नजर डालिए कि पिछले ब्रिक्स समिट में उसमें हमारे पीएम मोदी जी नहीं गए थे, उन्होंने स्किप कर दिया था। सो क्या उन्हें ब्रिक्स और उनके पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है जो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है? वेल द ट्रूथ इज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम कुछ ही देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाकिस्तान की जरूरत ही आखिर ब्रिक्स में क्यों? क्योंकि ब्रिक्स यानी कि एक्रोनिम के हिसाब से ही पांच अपकमिंग सुपर पावर कंट्रीज, राइट? वेल एक्चुअली मैं ब्रिक्स ग्रुप अब अपना एक्सपेंशन कर रहा है जिसका अनाउंसमेंट पिछले साल अगस्त में खुद पीएम मोदी जी ने किया था। 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस डेवलपमेंट में पोटेंशियली ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और पाकिस्तान को ऐड किया जाना है। लेकिन ताजुब की बात यहां पर यह है कि इंडिया के सबसे बड़े एलाय रशिया ने ऑफिशियली ये वेलकम पोस्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों बनाया, जबकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान वॉर में ओपनली रशिया के अगेंस्ट खड़ा था। एंड वेल फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली दैट इज बिकॉज रशिया ये सब के बावजूद पाकिस्तान का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि 2014 में रशिया से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, एक मेजर गलती जो जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होगी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब पाकिस्तान के अलावा भी देयर इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अगर आप गौर करोगे तो जो भी नेशंस अभी ब्रिक्स में ऐड हो रहे हैं उससे ब्रिक्स में डेमोक्रेटिक नेशंस का पलड़ा कम और ऑटोक्रेटिक नेशंस का पलड़ा भारी हो जाएगा, विच इज अ मेजर थ्रेट फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन लाइक इंडिया। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि शायद अब टाइम आ गया है कि इंडिया ब्रिक्स समिट क्विट कर दे। बट ब्रिक्स समिट से इंडिया का बहुत फायदा भी होता है। सो क्या फिर भी अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना इंडिया के लिए द स्मार्टेस्ट डिसीजन होगा? वेल लेट्स फाइंड आउट। सो पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स एक्सपेंशन के लिए इन्हीं कंट्रीज को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया था। साथ ही ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि जो दूसरे देश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो भी अपने मेंबरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस चाइना को यहीं से अपना गेम खेलने का मौका मिल गया और उसके कहने पर रशिया में पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर मोहम्मद खालिद जमाली ने 23 नवंबर को ब्रिक्स मेंबर बनने का ऑफिशियल एप्लीकेशन दे दिया। अब स्पेसिफिकली ये चाइना के लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से उसने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। पहला ये कि वो इंडिया के समर्थक रशिया को इंडिया से अलग कर सके और दूसरा ये कि उस पर ब्लेम भी ना आए। चाइना ये अच्छी तरीके से समझता है कि अगर वो खुद पाकिस्तान की मेंबरशिप प्रपोज करेगा तो इंडिया तुरंत वीटो कर देगा और इसीलिए चाइना ने रशिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। पर अब आता है दूसरा सवाल कि रशिया आखिर इतना मजबूर क्यों है कि चाइना के इन डर्टी पॉलिटिक्स में वो चाइना का साथ दे रहा है? क्या रशिया का खुद का इसमें कोई से नहीं होगा, स्पेशली अपनी दोस्ती को बचाने के लिए इंडिया के साथ? वेल रशिया और चाइना के रिलेशंस ना एक इंस्टेंस से समझते हैं। सो 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक बेजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने थे। चाइना नहीं चाहता था कि बेजिंग ओलंपिक्स के दौरान कोई इंटरनेशनल केओस क्रिएट हो और यह दावा मार्च 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट का है कि रशिया ने चाइना के कहने पर बेजिंग ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पर कोई अटैक नहीं किया और ओलंपिक्स खत्म होने के ठीक चार दिन बाद 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब एक और एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। एक सीनियर रशियन टेक इन्वेस्टर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि आज की तारीख में चाइना रशिया को 5G इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इक्विपमेंट 4.2G के बराबर है और ये बात रशिया खुद भी जानता है, लेकिन इसके बाद भी रशिया इस चीज को बस झेल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स का तो ये दावा है कि आज रशिया के एनुअल रेवेन्यू में 40% अकेला चाइना का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो क्लियरली रशिया और चाइना का रिलेशन जैसा दिखता है वैसा शायद है नहीं,
ये दोस्ती प्यार की नहीं बल्कि मजबूरी की है। और ये सारी मजबूरी शुरू हुई थी 2014 के रशिया के एक मेजर गलती से। सो मई 2014 की ये बात है, एक रशियन ऑयल कंपनी गैसप्रॉम और चाइनीज ऑयल कंपनी सीएनपीसी के बीच एक 400 बिलियन डॉलर्स का पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट नाम का एक डील साइन होता है। और ये डिसाइड होता है कि आने वाले 30 सालों तक एनुअली 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस रशिया को चाइना को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ्लॉ यही था कि रशिया चाइना को हाफ प्राइस में गैस बेच रहा था। बिजनेस इनसाइडर के रिपोर्ट के अनुसार रशिया चाइना को 271.6 डॉलर्स पर 1000 क्यूबिक मीटर्स रेट में नेचुरल गैस बेच रहा था, जबकि उसी दौरान रशिया वही गैस यूरोप को डबल प्राइस 481.7 डॉलर्स में बेच रहा था। यानी कि ये साइबेरिया पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से चाइना के टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही साइन किया गया था। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी रशिया के ऊपर? वेल, ये मजबूरी 2014 से ही शुरू हुई थी रशियन क्रीमियन इन्वेजन से। रशिया के क्रीमिया इन्वेड करने के बाद से ही रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर इस कदर हो गई कि मार्च 2023 में एक रशियन ऑफिशियल ने खुद ही इस इक्वेशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। आज रशिया चाइना की रिसोर्स कॉलोनी बन चुका है, और जिस वजह से चाइना जैसे चाहे रशिया को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली यूज एंड थ्रो कर पा रहा है। लेकिन वहीं पर रशिया की इकोनॉमी को अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो प्रेडिक्शंस है कि इंडिया 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा, जिसका डायरेक्ट प्रॉफिट होगा इंडिया के ट्रेडिंग सेक्टर को। पर अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है या फिर आप जस्ट जनरली सेक्टर का फायदा उठाना चाहते हो तो डोंट वरी, अब आप भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स जैसे ही ट्रेड कर सकते हो बस कॉपी ट्रेडिंग करके। मैंने कई बार वीडियोस में XM के बारे में बताया, जो एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 9 एसेट क्लासेस इसकी स्टॉक्स मेटल्स इंडाइसेस क्रिप्टो एटसेट्रा में ट्रेड कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग में आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी करके लिटरली उनके रिसर्च एनालिसिस और एक्सपीरियंस के फायदे से ट्रेडिंग कर सकते हो। XM पर आपको कई कैटेगरीज मिल जाएगी, जैसे मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट परफॉर्मर्स, लो रिस्क एंड इवन एसेट क्लासेस। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि उन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है और कब एंट्री और कब एग्जिट किया, उनके कितने फॉलोवर्स है, पास्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, कमीशन वगैरह क्या है, जिससे आपको एक्सपर्ट चूज करने में आसानी होगी। और इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आप पूरा कंट्रोल में हो कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब पॉज या एग्जिट करना है और कितना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना है। ये सब आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। ऑल्सो XM आपको ऑफर करता है एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर, 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट इंक्लूडिंग व्हाट्सएप सपोर्ट, फ्री एजुकेशन, रिसर्च रिसोर्सेज एंड सो मच मोर। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप भी XM कॉपी ट्रेडिंग के साथ फॉलो, कॉपी और अर्न कर सको। So go and open your account and start trading. And now let's jump back to the topic. So अब बात करते हैं 2014 के रशियन क्रीमियन इन्वेजन में ऐसी क्या गलती हुई थी रशिया। So 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का ही एक ऑटोनॉमस पार्ट था, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली क्रीमिया और यूक्रेन दोनों ही अनडिवाइडेड रशिया यानी कि यूएसएसआर के पार्ट रहे थे, और इसीलिए रशिया उन पर अपना क्लेम करता था, जिसलिए ही रशिया ने 2014 में क्रीमिया को इन्वेड कर दिया। अब उस वक्त के डायनामिक्स को अगर शॉर्ट में समझे तो क्रीमिया की जनता कम्प्लीटली एंटी रशिया थी, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी वो कम्प्लीटली प्रो रशिया थी, जिस वजह से वहां के पब्लिक प्रोटेस्ट को दबाकर केवल कुछ ही दिनों के अंदर रशिया ने क्रीमिया को अनलॉफुली इन्वेड कर लिया। और यही थी रशिया की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि उसके इस ऑटोक्रेटिक मूव से वेस्टर्न पावर्स जिनके साथ रशिया के रिलेशंस पहले से ही खट्टे मीठे थे वो और भी ज्यादा खराब हो गए। इनफैक्ट मार्च 2014 में तो रशिया को डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप G8 से सस्पेंड कर दिया गया और रशियन ऑयल बिजनेस पर बैन लगा दिया गया, जो एक्चुअली में रशिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। अब जब वेस्टर्न पावर्स ने रशिया को एक तरह से बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, तब रशिया के पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चाइना। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स देके बताया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर क्लियरली ये दिख रहा है कि चाइना इज एब्सोल्युटली यूजिंग रशिया फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, और ये रशियन डिप्लोमैट्स भी एग्री करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स रिलेशन, क्योंकि दुनिया से बैर लेने के बाद उसके पास यही एक महज ऑप्शन बच के रह गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का भी केस ले लो। रशिया पर चाइनीज इन्फ्लुएंस की शुरुआत 2014 में हुई थी, जैसे हमने जाना। आखिर कैसे ठीक उसी साल जून 2014 में ही पहली बार रशिया ने पाकिस्तान पर से आर्म सेल करने का बैन हटा दिया,
और फिर ये आर्म सेल्स का बैन हटते ही रशिया और पाकिस्तान ने 4 Mi-35M हेवी अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील भी साइन कर ली। मतलब साफ है, चाइना खुद तो रशिया का बेनिफिट ले ही रहा है, लेकिन वो अपने एलाइज को भी, खासकर जिनके कॉमन एनिमीज हो, उनको भी इसका फायदा उठाने दे रहा है। एंड एट द एंड सभी जानते हैं चाइना डजंट इवन केयर अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाकर वो अल्टीमेटली खुद का फायदा करा रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस आज के तारीख में रशिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील्स में चाइनीज करेंसी यूज हो रही है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी प्रॉफिटेबल फॉर चाइना। जून 2023 में पहली बार रशिया ने 45,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पाकिस्तान को सेल किए और ये ट्रेड कंप्लीटली चाइनीज करेंसी युआन में हुआ था। ऑल फ्रेंड्स, इनके यही अनफॉर्चुनेट नेक्सस के बीच में कहीं ना कहीं इंडिया फंस रहा है। अब हमारे सामने ये कंडीशन है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया के पाकिस्तान कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते तो इंडिया को शायद ब्रिक्स क्विट करना पड़ सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का एकदम क्रिस्टल क्लियर मानना है कि इंडिया को ब्रिक्स छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में रहते हुए इंडिया को दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। दरअसल वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो अरविंद सुब्रमण्यन जी के अनुसार इंडिया को ब्रिक्स में रहते हुए दो नुकसान हो रहे हैं, और उनमें से पहला है ब्रिक्स का चेंज होता पॉलिटिकल डायनामिक और एंटी वेस्ट टैग। दरअसल एज यू ऑल नो इट, ग्रुप एक्सपेंशन के पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के प्राइमरी मेंबर्स रहे। इन मेंबर्स में तीन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका है, जबकि बाकी के दो मेंबर्स रशिया और चाइना में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यानी कि अगर इसे एक बैलेंस के स्केल में इमेजिन करें तो ब्रिक्स का पलड़ा अब तक डेमोक्रेसी के तरफ झुका हुआ था, लेकिन अभी के एक्सपेंशन में जिन 6 कंट्रीज ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना को शामिल किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि इसके बाद ग्रुप का बैलेंस क्लियरली ऑटोक्रेसी की ओर झुक जाएगा, क्योंकि इथियोपिया और अर्जेंटीना को छोड़कर ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, और अगर पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का नंबर सीधा क्लियर मेजोरिटी बन जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन के बाद इंडिया के एक ऐसे ग्रुप का मेंबर होना जिसके मेजोरिटी मेंबर्स नॉन डेमोक्रेटिक है, एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव और फ्यूटाइल बेट है। और वहीं ब्रिक्स को जनरली ऑन द अदर हैंड G7 ग्रुप्स का जवाब कहा जाता है, और देखा जाए तो G7 के सारे देश USA, UK, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में मीडिया G7 वर्सेस ब्रिक्स के कंपटीशन को डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसी पेंट करने लगे। और इंटरनेशनल अरीना में तो सारा गेम ऑप्टिक्स का ही तो है, और इसीलिए इंडिया वेरी ऑब्वियसली खुद को ऑटोक्रेसी ग्रुप में नहीं देखना चाहेगा। ऑल्सो रशिया, जो ऑलरेडी ग्रुप का मेंबर है लेकिन उस पर वेस्ट ने हैवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वैसे ही ईरान, जिस पर भी वेस्ट के हैवी सैंक्शंस है, वो भी अब इस ग्रुप का मेंबर बनने जा रहा है। और चाइना के एंटी वेस्ट मूव्स तो किसी से भी छुपे नहीं है। यानी ग्रुप के तीन बड़े मेंबर्स एंटी वेस्ट स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, जो कि इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट विद नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के लिए एक अनकंफर्टेबल पोजिशन हो जाएगी, जो इंडिया कभी नहीं चाहेगा। अरविंद सुब्रमण्यम जी का दूसरा रीजन है इकोनॉमिक बर्डन। देखो, ब्रिक्स बना इसीलिए था क्योंकि उसके फाउंडिंग मेंबर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ तब काफी प्रॉमिसिंग थी। वहीं अगर न्यू मेंबर्स की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड ईरान टू सम एक्सटेंट, तीनों ही एक वेल्दी देश है, लेकिन तीनों के वेल्थ का सोर्स है ऑयल। बट आने वाले 20 से 30 सालों में वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज जीरो कार्बन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर चुके होंगे और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो रही होगी। इनफैक्ट इसी ट्रेंड को देखते हुए US ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को पेट्रो रिच मिडल ईस्ट से शिफ्ट करने का प्लान कर दिया। मतलब हाई चांसेस है कि इन नए ऐड होते देशों के वेल्थ का मेन रिसोर्स नियर फ्यूचर में मोस्टली यूजलेस हो जाएगा। और अगर इंडिया को छोड़कर ग्रुप के दो सबसे बड़े कंट्रीज चाइना और रशिया की बात की जाए तो उनका इकोनॉमिक फ्यूचर भी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइना का इकोनॉमिक पावर हाउस है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनीज इंडस्ट्री की आउटपुट लगातार डिक्लाइन पर है। 2010 में जहां चाइना में इंडस्ट्री आउटपुट 15% प्लस थी, वही 2019 में ये घटकर सिर्फ 4.4% पर रह गई, जबकि 2019 तक कोविड फुल स्विंग में शुरू भी नहीं हुआ था। वहीं पर अगर रशिया को देखें तो उसके एनुअल बजट का 45% केवल ऑयल से आता है, लेकिन 2023 के पहले 9 महीने में ही रशियन ऑयल कंपनीज के रेवेन्यू में 41% की गिरावट आई। यानी कि फ्यूचर में इंडिया ही ग्रुप की वो कंट्री रह जाएगी जिसकी इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमें ही उस पूरे ग्रुप का इकोनॉमिक बर्डन उठाना पड़े,
जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। दरअसल ग्लोबल लेवल पर अगर देखोगे तो कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स है जैसे कि G7, ब्रिक्स और G20। लेकिन G7 फॉर एग्जाम्पल लगभग 50 सालों से G7 ही बना हुआ है, मतलब इस ग्रुप में इतने लंबे से कोई नया मेंबर शामिल ही नहीं हुआ। और ब्रिक्स का क्या फ्यूचर हो सकता है ये तो हमने पहले डिस्कस ही कर लिया। अब इस कंडीशन में इंडिया, जिसने अभी अभी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे कि अफ्रीका जैसे एक पूरी तरह से निग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट को G20 का मेंबर बनवाना, इंडिया और यूरोप के बीच इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रपोजल को सामने रखना और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का फॉर्मेशन, और इसीलिए यहां पर कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया को ब्रिक्स पर ज्यादा फोकस ना करते हुए G20 पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और यू नो, ऐसे कुछ लिमिटेड ग्रुप्स पर जहां पे इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर इंडिया को ब्रिक्स में भी फोकस करना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स लिखना एंड उसके पीछे अपने जस्टिफाइंग रीजंस भी। लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। एंड ऑफकोर्स G20 में इसी साल इंडिया ने कई सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, बट यू नो वॉट, उसी G20 प्रेसिडेंसी के वजह से इंडिया को काफी बैकलैश भी मिला है, क्योंकि इंडिया ने कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिस भी किए हैं। सो इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के सबसे बड़े मिस्टेक्स क्या रहे, इसे हमने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में, जो कि आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए ताकि आप भी अपडेटेड रह सके। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो तो अभी जाओ ओपन योर अकाउंट विद XM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपल फॉलो कॉपी एंड अर्न स्ट्रेटजी यूज करो विद XM। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।